तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, क्या आपका भी बहुत जल्दी जल्दी इंटरनेट और बैटरी कंज्यूम होता है और आप बहुत ज्यादा परेशान हो कि भाई मेरा बिना मतलब का इंटरनेट और बैटरी कंज्यूम क्यों हो रहा है। कुछ लोग का तो ऐसे होता है कि भाई वो मोबाइल ऐसे रखे हुए हैं और उनका स्क्रीन ऑफ है, फिर भी उनका बैटरी और जो है इंटरनेट कंज्यूम होता रहता है। तो यार, जो मैं आपको आज 5 हिडन सेटिंग बताने जा रहा हूँ आपको अपने फोन में कर लेना है, फिर आपका जो बैटरी है ना वो 4 से 5 दिन तक चलने रहेगा। और इंटरनेट की बात करें तो अगर आप 1.5 GB भरवाते हो ना, तो भाई उसमें से आपका सिर्फ 400 MB खत्म होगा। अगर आप दिन भर भी यूट्यूब पर वीडियो देखो, इंस्टाग्राम चलाओ, व्हाट्सएप चलाओ, कुछ भी चलाओ, आपका सिर्फ 400-500 MB जाएगा और बाकी का जो है बच जाएगा। तो वो सब सेटिंग कौन से और उसको कैसे करना है, और मैं आपको बता दूं कि इसके लिए ना ही आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ आपको अपने फोन के सेटिंग्स में जाकर डेवलपर ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है ओम और आप देख रहे हैं टेकोम सपोर्ट यूट्यूब चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन का घंटी दिखेगा उसे भी क्लिक कर लीजिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं उस सेटिंग की ओर जिससे आपका इंटरनेट भी कंज्यूम नहीं होगा और बैटरी भी कंज्यूम नहीं होगा, वो भी बिना थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के। तो सबसे पहले आपके फोन में सेटिंग्स तो होगा ही, तो सबसे पहले आपको अपने फोन के सेटिंग्स में आ जाना है। जैसे ही आप सेटिंग्स में आओगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अबाउट डिवाइस के नाम से। हर एक फोन में ये सेटिंग रहता है, तो आपको आ जाना है अबाउट डिवाइस में। थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो वर्जन दिखेगा, वर्जन में जाना है। फिर यहाँ बिल्ड नंबर देखने को मिलेगा, तो बिल्ड नंबर पर 7 बार क्लिक करना है। जैसे ही आप 7 बार क्लिक कर देते हो तो आपके फोन में एक नया ऑप्शन जुड़कर रेडी हो जाता है जिसका नाम है डेवलपर ऑप्शन। तो वो आपको कहां मिलेगा, यहां बैक आना है अबाउट डिवाइस से। फिर यहां पर आपको एडिशनल सेटिंग देखने को मिलेगा, एडिशनल सेटिंग में जाना है और फिर यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शन। ये आपके फोन में एडिशनल सेटिंग में भी देखने को मिल जाएगा। अगर इसमें नहीं मिल रहा है तो आप अपने सेटिंग्स के सर्च बार में जाकर सर्च कर सकते हो, तो फिर आपको मिल जाएगा। तो यहां पर सिंपली आपको डेवलपर ऑप्शन में कुल मिलाकर आ जाना है और यहां पर आने के बाद ये आपको सबसे पहले ऑन कर लेना है डेवलपर ऑप्शन। और जैसे ही आप ऑन कर देते हो तो मैं अभी आपको बताता हूं 5 वो सीक्रेट सेटिंग के बारे में जो कि आपका इंटरनेट भी कंज्यूम नहीं होगा और बैटरी भी नहीं। इसमें आप कितने सारे सेटिंग्स है ये आप देख लो पहले, बहुत सारे सेटिंग्स है इसमें, लेकिन इसमें कुछ ऐसे सेटिंग है जिससे आपका बैटरी इंटरनेट दोनों कंज्यूम नहीं होगा। तो अभी बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट सेटिंग के बारे में। फर्स्ट सेटिंग में दोस्तों आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहां पर आपको देखने मिलेगा ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट्स। इसको क्या करना है, इसको आपको ऑफ कर देना है। जैसे ही आप इसको ऑफ कर देते हो तो इससे आपका क्या होता है, आपके फोन में जो है नया नया अपडेट आता है, यानी कि समझ रहे हो ना, MIUI वर्जन में अपडेट आता है। तो आपको तो पता ही है उसमें कितना ज्यादा इंटरनेट लेता है, यानी कि 1.5 GB जो है 1.5 GB से ऊपर ही लेता है हमारा इंटरनेट, और उससे जो है हमारे फोन में इंटरनेट भी नहीं रहता है और बाकी का जो बचा कुचा रहता है वो भी इंटरनेट ले लेता है। तो इसको आपको ऑफ करने के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि आप इसको ऑफ कर देते हो तो यहाँ पर आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके मोबाइल में जो है एक ये अपडेट आ गया है, ये आप जल्दी कर लो। तो आप क्या करोगे कि यहाँ जहाँ आपका वाईफाई कनेक्ट होगा वहां पर जाओगे और फिर वहां से जो है आप अपना वाईफाई कनेक्ट करके फिर आप अपना सिस्टम अपडेट कर लोगे, ठीक है। इसको आपको ऑफ करना है, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने के मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया दोस्तों फर्स्ट सेटिंग। अब बात कर लेते हैं सेकेंड सेटिंग के बारे में। सेकेंड सेटिंग में दोस्तों आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करना है और करना है, और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वाईफाई स्कैन थ्रोटलिंग, इसको आपको ऑन कर देना है। जैसे ही आप इसको ऑन कर देते हो तो इससे आपका बैटरी का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, साथ ही साथ इंटरनेट का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। कुछ लोग मोबाइल में क्या करते हैं, कुछ लोग के मोबाइल में क्या रहता है, यहाँ पर जैसे कि वाईफाई स्कैन थ्रोटलिंग आपको दिख रहा है, इसके नीचे ही लिखा रहता है यहाँ पर जैसे कि रिड्यूस बैटरी ड्रेन और जो है इंटरनेट बढ़ जाएगा, यहाँ पर लिखा रहता है, ठीक है। वो इंग्लिश में लिखा रहता है, यहाँ पर जैसे कि मेरा वाईफाई स्कैन थ्रोटलिंग नीचे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर किसी किसी के मोबाइल में लिखा रहता है। तो इसको आपको कुल मिलाकर ऑन कर लेना है। ये हो गया दोस्तों सेकेंड सेटिंग। अब बात कर लेते हैं थर्ड सेटिंग के बारे में। थर्ड सेटिंग में दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है
और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा मोबाइल डाटा ऑलवेज एक्टिव, तो इसको आपको ऑन कर देना है। ऐसे आप इसको ऑन कर देते हो तो इससे आपको क्या क्या फायदे देखने मिल जाएंगे। इससे आपका इंटरनेट जो है 2x स्पीड में चलने लगेगा। वो कैसे? अगर आपके मोबाइल में मोबाइल डाटा ऑलवेज एक्टिव रहेगा तो जाहिर सी बात है आपका मोबाइल डाटा बंद होकर भी वो एक्टिव रहेगा। और इससे क्या होगा कि अगर आप अपने दोस्त के घर गए या उसके वाईफाई आपके पासवर्ड सेलेक्ट है आपके फोन में, तो जैसे ही आप उसके घर गए तो आपका वाईफाई और इंटरनेट दोनों मिलकर जो है 2x परफॉर्मेंस देंगे आपको, और आपको फोन चलाने में और भी मजा आएगा। और अपने फ्रेंड्स को भी चौंका सकते हो कि देखो तुम्हारा जो है वाईफाई कनेक्ट है और मेरा भी वाईफाई कनेक्ट है, फिर भी मेरे मोबाइल में जो है ज्यादा जल्दी जल्दी चल रहा है, 2x स्पीड में चल रहा है, और तुम्हारे मोबाइल में इतना स्लो इंटरनेट चल रहा है। तो उसको भी आप पूरे के पूरे चौंका सकते हो। तो कुल मिलाकर आपको क्या करना है, इसको आपको ऑन कर देना है मोबाइल डाटा ऑलवेज एक्टिव को। और इसको ऑन करने के बाद अब बात कर लेते हैं दोस्तों फोर सेटिंग के बारे में। फोर सेटिंग में दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करना है और यहाँ स्क्रॉल करना है, और जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएंगे बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, नो बैकग्राउंड प्रोसेस, एट मोस्ट 1 प्रोसेस, 2 प्रोसेस, 3, 4, ये आपको देखने के मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको कौन सा प्रोसेस चुनना है ये आप देखिएगा, यहाँ पर आपको कौन सा चुनना है, एट मोस्ट 1 प्रोसेस। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट कर लेते हो तो यहाँ पर आपका देखिए लिख रेडी हो गया, एट मोस्ट 1 प्रोसेस पे ये सेलेक्ट हो गया है। अब इसका फायदा भी जान लो कि ये फायदा क्या करता है। दोस्तों ये फायदा ये करता है कि आपके जो है यहाँ पर रिसेंट फाइल में जो है ये सब जो रहते हैं, जो कि आप कुछ भी कोई भी ऐप लगाकर और यहाँ से रिसेंट फाइल से हटाना भूल जाते हो, तो ये सब क्या करते हैं, ये जो है यूट्यूब अभी मेरा बैकग्राउंड में प्रोसेस कर रहा था लेकिन मैंने अभी एट मोस्ट 1 प्रोसेस कर दिया है, तो अब मेरा ये बैकग्राउंड में प्रोसेस नहीं चल रहा है। अभी बैटल ग्राउंड भी चल रहा था, व्हाट्सअप भी चल रहा था, इंस्टाग्राम भी चल रहा था, तो ये सब मिलकर जो है मेरे इंटरनेट को खत्म कर रहे थे जल्दी से जल्दी। तो अगर आप इसको ऑन कर देते हो, जैसे कि मैं अभी सेटिंग चला रहा हूँ, तो सेटिंग में थोड़ा मोड़ा इंटरनेट तो लगता है, तो ज्यादा से ज्यादा जो है सेटिंग नहीं आपको इंटरनेट देखने मिलेगा। जैसे कि आप इंस्टाग्राम चला रहे हो तो वो ज्यादा इंटरनेट जो है सब का सब इंटरनेट आपके इंस्टाग्राम में ही जाएगा, अदर एप्स में नहीं जाएगा। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो कि और कोई ऐप में प्रोसेस नहीं होगा, जो आप जो ऐप चलाओगे उसी में प्रोसेस होगा। तो ये दोस्तों मिल जाता है आपको फोर सेटिंग के अंदर। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों फिफ्थ सेटिंग के बारे में, जो कि हमारे इस वीडियो का लास्ट सेटिंग होने वाला है, और वो जो है एक तरह से VIP सेटिंग आप कह सकते हो। तो उसके बारे में कैसे समझना है उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, और इसके लिए मैं आपको जो ना ही थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ आपको इसी में जाना है और इसी में सेटिंग करना है। फिफ्थ सेटिंग में क्या करना है, यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे और स्क्रॉल करोगे तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, और यहीं पर आपको देखेंगे मिल गया, देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा है, सो बैकग्राउंड ANRS। यहाँ पर आप नीचे पढ़ भी सकते हो, डिस्प्ले ऐप नॉट रिस्पॉन्डिंग डायलॉग फॉर बैकग्राउंड ऐप्स। इससे हमारा क्या होता है, ये हमारे जो ऐप को जो है, जैसे कि मेरा फोन है और मैं जैसे ही यहाँ पर फोन स्टार्ट किया, यहाँ पर ऐसे किया स्टार्ट और इसको खोला, जैसे ही खोला और जैसे ही मैंने इसको फिंगरप्रिंट या पैटर्न लगा के खोला, वैसे ही मेरे फोन में जो है बैकग्राउंड प्रोसेस चलना स्टार्ट हो गए। यहाँ रिसेंट फाइल से नहीं, जैसे कि आप सोच रहे हो रिसेंट फाइल से चलना स्टार्ट हो गया, यहाँ हटा देते हैं, यहाँ से मेरा चलना स्टार्ट हो गया जैसे ही मैंने अपने फोन को ओपन किया। ये सब जो आपको दिख रहा है ऐप, इसमें बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको क्या करना है, उस सेटिंग में जाना है, जैसे कि मैं चल जाता हूँ डेवलपर ऑप्शन में सेटिंग में, और यहाँ पर नीचे जाते हैं, और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आते हैं और देख सकते हैं यहीं पर आपको ऑप्शन देखने मिल जाएगा सो बैकग्राउंड ANRS। तो इसको आपको कुल मिलाकर क्या करना है, इसको आप जैसी ऑन करते हो तो आप जैसी फोन ओपन करोगे तो ये आपके पूरे ऐप में जो है बैकग्राउंड प्रोसेस नहीं चलेगा, और इससे आपका इंटरनेट भी बचेगा, बैटरी भी बचेगा, बहुत सारे फायदे देखने के मिल जाएंगे आपको इस 5 खुफिया सेटिंग के। तो आई होप कि आपको ये छोटा सा वीडियो यूजफुल साबित हुआ होगा। अगर यूजफुल साबित हुआ है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, क्योंकि हमें इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके बनाना पड़ता है, गूगल से रिसर्च करते हैं, यूट्यूब से रिसर्च करते हैं, और आपको जो है सही चीज बताने की कोशिश करते हैं, डुप्लीकेट चीज बताने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साइड में एक बेल आइकन का घंटी दिखेगा तो उसको भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जैसी वीडियो डालूं वैसी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका जो है वीडियो ये नहीं छूटे। तो आई होप कि आपको छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।